बालाघाट के चांगूटोला शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ सहायक ग्रेड दो रिश्वतखोर बाबू लक्ष्मी प्रसाद उइके को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने 20,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह पूरी कार्रवाई बुधवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के निकट बालाघाट में की गई। बताया गया है कि सेवानिवृत्त उच्च श्रेणी शिक्षक लखनलाल लांजेवार 30 मई को सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनका पीपीएफ और पेंशन की राशि जारी होनी थी, जिसके लिए पदस्थापना स्थल चांगूटोला हायर सेकेंडरी स्कूल के बाबू लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय में पदस्थ अन्य दो लोगों के साथ मिलकर 35,000 की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें 20,000 में मामला सेट हुआ और बुधवार को यह रिश्वत लेने जिला शिक्षा अधिकारी के पास तय हुआ था, जिसके अनुसार लुकायुक्त जबलपुर की टीम डीएसपी दिलीप झरवड़े के नेतृत्व में पहुंची और बाबू लक्ष्मी प्रसाद उइके को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। लोकायुक्त पुलिस के द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। मेरा नाम लखनलाल लांजेवार है और उच्च श्रेणी शिक्षक के पद से मैं रिटायरमेंट हुआ 30 मई 2022। मैं बसर नगरवाड़ा माध्यमिक शाला नगरवाड़ा से, और इससे पहले मैं एक साल पहले वहाँ था शासकीय हाई स्कूल बसेगांव। तो सर मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं पेंशन प्रकरण के लिए ऑफिस आया तो मुझे पैसों की मांग की गई, इतना पैसा दोगे तो हम आपका काम करेंगे। लक्ष्मी उइके जो बाबू हैं उनके द्वारा मांगा, ये चांगूटोला में हाई स्कूल में हायर सेकेंडरी में पदस्थ थे। ये 20,000 रुपये की आज उन्होंने बुलाया था आपको? तो आज बुलाया था सर यहाँ पे, और पैसे उसके साथ में यहाँ पर इसके पहले जो है स्थानीय मदों का ऑडिट के लिए भी यहाँ पर मेरे को बुलाया गया था, तो ये रंगारे बाबू और कोमटवार के द्वारा भी 35,000 की मांग की जाती है। लोकायुक्त में मैंने सर एक महीना पहले शिकायत थी, दो महीने आज 20,000 रुपये दिए जी। ये राशि मांग रहे थे सर लक्ष्मी बाबू है और ये राजेश रंगारी है और कोमटवार। ये सर ऑडिट है आपका, आपके ऊपर रिकॉर्डिंग निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे, आपके रिकॉर्ड ठीक नहीं किया है, ऐसा वैसा करके धमकी मार रहे हैं। संतुष्ट जी अभी के आज की कार्रवाई से संतुष्ट है? तो मेरा नाम लखनलाल लांजेवार। छोड़ दो सर, आज एक कार्रवाई की है, किस तरह की कार्रवाई है? हमारे शिकायतकर्ता है लखनलाल लांजेवार जी, ये रिटायर्ड उच्च श्रेणी शिक्षक हैं चांगूटोला के। इनका रिटायरमेंट अभी 31 मई को हुआ है। इनका पेंशन प्रकरण और पीपीओ जारी होना था, जो पीपीओ जारी और पेंशन प्रकरण बनाने के संबंध में ये पदस्थ बाबू हैं लक्ष्मी प्रसाद उइके सहायक ग्रेड टू संकुल केंद्र चांगूटोला में। इनके द्वारा पेंशन प्रकरण बनवाने और पीपीओ जारी करने के एवज में 20,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने इन्हें 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। हाँ, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई।